देखो भाई ये सब एक्टिविटी अपने को यहाँ पे करने को मिलेगी, तो अच्छा पॉइंट है भाई ये देखो भैया, सामने खुला ग्राउंड, वेदर इतना साफ नहीं है, अगर पूरा वेदर साफ होता ना तो बहुत मज़ा आना था। ये देखो भाई है, ये आ गया भाई, ये पास, ये देखो भाई कैसे नीचे ला के फिर उसने ऊपर को उठा दिया। तो यहाँ पर आ सकते हो भाई आप, अगर कभी उत्तराखंड में आते हो तो अच्छी लोकेशन है ये और अच्छा पॉइंट है ये। ये देखो ये रास्ता बना रहे हैं नीचे जाने के लिए, वो नीचे देखो। तो अभी बना रहा हूँ जी मैं सब्जी, तो सब्जी के लिए लाया हूँ मैं देसी तोरियां, तो अच्छे अच्छे वाला फूड बना के खाने वाला हूँ मैं। अगर खाना चाहो तो आप आ सकते हो भाई। और ये मैं बनाऊँगा सरसों के तेल में, और ये रहे जी सारे मसाले। ये भी पहाड़ की तोरी है देसी वाली, देसी वाली। कोई बंदा था वहाँ पे ना सेल कर रहा था, तो मैं उससे ले आ रहा, मैं चलो भाई लाओ देसी तोरी खा के देखते हैं। हाँ जी कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होगे। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं अभी हूँ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के टिहरी में, और भाई तोर भाई गाड़ी आ गए, चल मेरे भाई चल मेरे साथी आगे घर, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी होती है। अगर फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पूरा इंडिया आप मेरे साथ घूम सकते हो। और एक भाई बोल रहा था कि भाई जब व्लॉग स्टार्ट करते हो ना तो पहले आप खुद पे रखा करो फोकस, हमें पता ही नहीं चलता, सॉरी कोई अगर नया बंदा आता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि बात कौन कर रहा है। सो मुझे भी उस भाई की बात सही लगी कि हाँ भी पता चलना चाहिए ना कि बात कौन कर रहा है। तो देख सकते हो जी सामने ये मैं हूँ, ये मेरी वैन है और इस वैन में मैं रहता हूँ और ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहा हूँ। और ये देखो ये है टिहरी, टिहरी ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, टिहरी डैम, ये डैम है भाई देखो आप। डैम के पास ना माहौल मतलब अच्छे वाला बना रखा है, बट यहाँ पे किसी को फोटोग्राफी वगैरह जो बिल्कुल डैम पीछे आपने देखा वहाँ पे करने नहीं देते, और ना ही उस डैम के ऊपर किसी को रुकने देते हैं ज़्यादा, और सिक्योरिटी वहाँ पे CISF वाले बैठे होते हैं भाई। और यहाँ पे है कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, तो देखते हैं भाई कहाँ पे है, पूछते हैं इनसे कहाँ पे है, सीधा चलते हैं ये न्यू टिहरी यमुनोत्री चंबा, शायद नीचे जाके है कुछ एक्टिविटी यहाँ पे करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, राफ्टिंग नहीं सॉरी बोटिंग वगैरह, बोटिंग वगैरह का बोल रहे हैं कि यहाँ पे है, तो देखते हैं अगर बोटिंग वगैरह का कुछ होगा तो मैं आपको दिखा दूँ अगर आप यहाँ पे आते हो तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हो, ये सब कुछ आपको मैं दिखा दूँगा। सो जुड़े रहना वीडियो के साथ, रोड काफ़ी अच्छा है भाई और ये काफ़ी नीचे जा रहा है, मेरे को लगता है वहाँ ऊपर मेरे को ना कन्फर्म कर लेना चाहिए था किसी से, और बिना पूछे मैंने बस एक पूछा था मैंने आर्मी वाले से, वैसे उसने बोला था कि दो रोड जाएंगे नीचे वाले पे आप चले जाना, वहाँ पे आपको मिलेगा वोटिंग वाला सिस्टम सारा। तो देखते हैं आगे जाके क्या सीन रहता है वोटिंग वगैरह का, कुछ मिलता है नहीं मिलता, और कैंपिंग वाला मेरे को यहाँ पे सीन दिख नहीं रहा भाई, आप आस पास में कि कुछ अच्छा सा दिखे, वो दूर एक पहाड़ दिख रहा है शायद वहाँ बात बन जाए, वहाँ पर तो ट्रक वगैरह है भाई, बनेगी बात कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, चलते हैं भाई कुछ ना कुछ तो दिखेगा, दिखा कुछ मुझे। वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो ना वो नीचे देखो वो हो रही है बोटिंग, वो देखो आप नीचे देखो जी, काफ़ी सही सीन है भाई यहाँ पे, कैंपिंग वगैरह के लिए प्रॉपर बने हुए हैं, कॉटेज वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं, तो लेक का व्यू काफ़ी अच्छा आता है यहाँ से, तो टूरिज्म पाथवे व्यू पॉइंट सब कुछ इसी साइड अपने को मिलने वाला है। और ये मेरे को लगता है अपने से चार्जेस करेंगे और पूछते हैं भाई कितने पैसे लेंगे आप। पैसे क्यों लेंगे भाई, किस लिए लेंगे भाई, क्या लेंगे भाई, पैसे लोगे, पैसे लोगे भाई ने नहीं लिए भाई, उसने बोला जाओ, तो मैं तो वहाँ पे रुकने नहीं वाला, अब चलते हैं बिल्कुल उधर आगे,
आगे जाके देखते हैं क्या कुछ कैसा सीन रहेगा भाई। देखो खुला डुला कैंपिंग का तो मजा आ जाएगा यहाँ पे, आराम से बैठ के ना बढ़िया वाला फूड वगैरह बना के खाएंगे। वो देखो भाई क्या सही सीन है, देखो आप। बस थोड़ी सी गर्मी है तो उसके लिए आप वहाँ पर बंद कर लेंगे, गर्मी का भी कोई इशू नहीं है। तो एक बार आपको मैं दिखाता हूँ सारा राउंड व्यू, घूम के दिखाता हूँ एक बार मैं क्या क्या कुछ अपने को कैसा कैसा मिलेगा। सो जुड़े रहो आप वीडियो के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। और बहुत कम लोग आए होंगे इधर, कोई आया होगा तो भाई मैंने तो सुना नहीं पहले कोई आया है। अगर आपकी नॉलेज में है, अगर आपने कोई व्लॉग देखा तो मुझे ज़रूर बताना। देखो पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे करवाते हैं, अभी अच्छी अच्छी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, बोटिंग होगी पैराग्लाइडिंग होगी ऐसा कुछ करवा रहे हैं। देखो भाई ये सब एक्टिविटी अपने को यहाँ पे करने को मिलेंगी, तो अच्छा पॉइंट है भाई ये। ये देखो यहाँ सामने खुला ग्राउंड, वेदर इतना साफ नहीं है, अगर पूरा वेदर साफ होता ना तो बहुत मज़ा आना था। ये देखो भाई है, ये आ गया भाई, ये बात, ये देखो भाई कैसे नीचे ला के फिर उसने ऊपर को उठा दिया। तो यहाँ पर आ सकते हो भाई आप, अगर कभी उत्तराखंड में आते हो तो अच्छी लोकेशन है ये और अच्छा पॉइंट है ये। ये देखो ये रास्ता बना रहे हैं नीचे जाने के लिए, वो नीचे देखो बोटिंग वगैरह होती है सब कुछ, वहाँ जाने के लिए ये रास्ता बन रहा है। वो गाड़ियाँ भी नीचे गई हुई हैं बट अभी ये जेसीबी खड़ी है, अभी जहाँ तो रास्ता एक और होगा नीचे जाने के लिए, तो देखते हैं चल के आगे आप। और फूड कोर्ट वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे, वो वैन खड़ी है देखो आप, फूड वैन। चलते हैं आगे, जुड़े रहो बस आप, आपको सब दिखा दूंगा। और नीचे तो भाई उन्होंने पशु वगैरह भी रख रखे हैं, गायें वगैरह भी घूम रही हैं नीचे। वो देखो भैया वो रास्ता दूसरा है भाई, और कहीं से आता है वो नीचे आता है, तो देखते हैं बाद में। मैंने बोटिंग वगैरह तो करनी नहीं, आपको मैंने ये दिखा दिया ना, तो देखो ऐसा कुछ नज़ारा रहेगा यहाँ से। तो बैठे तो पहाड़ों में हैं बट भाई गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो अपने को ये खोलना पड़ेगा आज, और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि तो भाई अगर मैं यहाँ पर फूड बना लूँगा ना, बना के फिर मैं अगर खाऊँगा तो बैठा नहीं जाएगा, तो उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा मुझे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5-4 मिनट मैक्सिमम। ये बात, इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि टाइम लगता है ना इस पर, जब ज़रूरत हो तब ही खोलता हूँ, वैसे नहीं तो मैं इसको नहीं खोलता, बट भाई अभी ज़रूरत पड़ गई आज इसकी। आज इंडिका की ज़रूरत पड़ गई, सागर की बोटी लेनी इंडिका चला, इमीडिएटली आज ज़रूरत पड़ गई इमीडिएटली, इसके बिना काम ना आज चलेगा नहीं। तो खोल लेते हैं भाई, कोई इशू नहीं है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके देखते देखते, बस 2 मिनट में ये ओपन हो जाना है। ये देखो चाबियां पाने सब अपने साथ में रखना पड़ता है मुझे, एक एक चीज़। ये बात, तू भी चल नीचे भाई, गर्मी है, गर्मी का बहुत पंगा है यार, कैंपिंग का मज़ा नहीं आता जब गर्मी हो ना। मुझे था शायद ठंड होएगी थोड़ा ठीक होगा वेदर, बट नहीं, चलो मानी दे रात को तो ठंड हो ही जाएगी। ये बात, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपने ये चीज़ पहले नहीं देखी होगी आई थिंक, ये फिर आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे होगे ऐसे खुलता हुआ इसको। ये बात, ये बात, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में ही इसका काम तमाम कर देंगे। ये देखो अब छाया हो जाएगी ना तो आराम से बैठ के खा पी सकता हूँ इधर में, मुझे कोई इशू नहीं, ये थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे भी भाई। धूप में काम करना ना, फूड बनाना करना, कैंपिंग करना, वो हो जाता है मुश्किल, इसलिए देखो इसका यूज़ भी आ गया आज, तो बहुत कम यूज़ होता है इसका भी आज यूज़ हो गया। भैया भाई
बजे लग के हो गया जी रेडी, बस इतना ही टाइम लगता है। देखो आपके देखते देखते सब कुछ हो गया ना रेडी, बस अब क्या है कि अभी यहाँ पे आराम से मैं बैठ सकता हूँ। और इधर आप खोल लेते हैं किचन, यहाँ पे थोड़ी धूप रहेगी है ना, चलो इतना को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे, बाकी वैसे माहौल सही बन जाएगा, ओके बन जाएगा कहाँ। तो अभी बना रहा हूँ जी मैं सब्जी, और सब्जी के लिए लाया हूँ मैं देसी तोरियाँ, तो अच्छे अच्छे वाला फूड बना के खाने वाला हूँ मैं। अगर खाना चाहो तो आप आ सकते हो, और ये मैं बनाऊँगा सरसों के तेल में। और ये रहे जी सारे मसाले, ये भी पहाड़ की तोरी है, देसी वाली, देसी वाली। कोई बंदा था वहाँ पे ना सेल कर रहा था, तो मैं उससे ले आया, मैं चलो भाई लाओ देसी तोरी खा के देखते हैं पहाड़ की कैसी होती है। आप खाना चाहो तो आ सकते हो भाई, फ्रेश फ्रेश वाली है, बिल्कुल फ्रेश, बंदे ने ना खेत से तोड़ के ही रख रखी थी, तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी सब्जी बनने वाली है, फ्रेश फ्रेश अच्छी बनती होती है ना। ये बात किस किस को बनानी आती है भाई बताओ आप। एक तो वो जहाज चल रहा है ऊपर, वो बहुत शोर करता है यार, वो पैराग्लाइडिंग वाला, जब वो ऊपर से निकलेगा ना तो देखना कितना साउंड आएगा, मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी आपके पास। जी कुकर तो दिया मैंने रख सब्जी बनने के लिए, और वो बन रही है सब्जी। और अभी क्या है, दो तीन रोटी का आटा गूंद ले, रोटी तो खाएंगे ना साथ में, अच्छे वाली बना के। आज मैंने क्या, अभी पहले ना मैं 5-5 किलो का आटा ले लेता था ज़्यादा, क्योंकि तो रोटी बनाता बहुत कम हूँ मैं, वो क्या होता था वो ख़राब हो जाता था बार बार ख़राब हो जाता था। अभी फिर मैंने क्या किया, एक भाई मिल गया था कोई, उसको मैंने बोला भी मेरे को यार कम आटा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि 5 किलो तो मेरे को मुक्त ख़त्म ही नहीं होता काफ़ी टाइम तक। तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा लिया, 2 किलो बस। और ये भाई कुकर भी मारने लग गया सीटियाँ, बस इतना ही टाइम लगता है, देखो आपके देखते देखते ही मैंने बना ली, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, बस 3-4 सीटी बजेगी मेरे को लगता है ये बन जाएगी बस, और उसके बाद बना रही है 3-4 रोटी, साथ में मेरे पास दही पड़ा है, और साथ में दही हो जाएगा और बना के खाएंगे। खाना चाहते तो आ जाओ भाई, कैंपिंग की लोकेशन सबसे बेस्ट है, चुप कर जा भी, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या है कि वेदर सही नहीं है अभी अभी ना, बस ये बना के फिर मैं एक बार छाया में लगाऊंगा गाड़ी कहीं पेड़ के नीचे, और रात को फिर कहीं भी लगा लेंगे, रात का कोई सीन नहीं है। अभी दिन में यहाँ पे विदाउट एसी तो अंदर बैठ नहीं सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, पहाड़ों में इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, उधर तो होनी होनी है, इस बार का वेदर ना सही नहीं है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वेदर ना इस बार। हाँ जी, तो सब्जी अपनी होगी रेडी, और ये होगी रोटी बनके भी रेडी, बस इतना टाइम लगता है मेरे को, 15-20 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, फास्ट फास्ट बस अपने जल्दी जल्दी बना ले, क्योंकि हवा नहीं चल रही यहाँ पे, सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, जब हवा ना चलती हो फिर क्या है कि जो गैस है ना वो सही चलता है, आग सही चलती है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। देखो 10 से 15 मिनट में बन के खाना बिल्कुल रेडी हो गया, बस अभी खाएंगे, और खा के फिर मैं देखता हूँ, यहाँ पे बैठूँगा, लगा ही रखा है शेड, नहीं तो फिर कुछ पेड़ वगैरह कुछ ऐसा देखता हूँ और वहाँ पे बैठेंगे जाकर। तो खाना हो गया जी रेडी बन के, कोई खाना चाहे तो आ सकता है भाई, आज मैं शक्कर नहीं ले रहा साथ में, चलो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये सब्जी कैसे बनी है। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर, काफ़ी अच्छी बनी है भाई। पता क्या, पहाड़ों में ना जो धूप होती है ना वो तीखी होती है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है,
मतलब आंखें ओपन करना, आइज खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं खा के ना फिर कहीं छाया में जाऊंगा, फिर रात को क्या करेंगे यहीं पे आके लगा के सो जाऊंगा आगे रात को, क्योंकि बढ़िया खुला ग्राउंड है और रात को हवा बढ़िया लगेगी। शीशे थोड़े थोड़े कर लेंगे डाउन, अगर ज़्यादा कोई लगा अभी हाँ गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ी गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, और क्या है, इससे ज़्यादा कुछ है हो नहीं सकता। तो फिर मैं अभी खा लूँ, खा के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखो सारा कुछ खिला रखा है मैंने, और थोड़ी वैन भी ठीक करूँगा एक बार, तो सीधा इसको रख के ना थोड़ा छाया में बैठूँगा। शाम को आके जब हो जाएगा, वेदर सही हो जाएगा, फिर आके वैन को अंदर से साफ करेंगे अच्छे से, बढ़िया सारा कुछ फिर करूँगा मैं काम। तो ठीक है जी, आप बने रहना व्लॉग के साथ। तो मैं एक बार खाना वगैरह खा लूँ, इतनी मेहनत से बनाया है।